तुम्हारी शादी हम लोग बहुत धूमधाम से करेंगे। लोगों को पता चलना चाहिए कि यह पृथ्वी सिंह सूर्यवंशी की बेटी की शादी है। भाई साहब, ये कहां जा रही है? इस पे नजर रखना है। नहीं, हमें इससे एक कदम आगे रहना है ताकि पता चले कि वो कोई चाल तो नहीं चल रही। मैं जा रही हूँ राज का किस्सा खत्म करने, और गौरी जो चाहे कर ले, बचा नहीं पाएगी प्यारे राज को। अंकल आंटी, मैं अभी आई। आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं है? मैं तो इसलिए चुप थी कि अभी अजय की बहन यहाँ पे बैठी हुई थी, पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। क्या बात है जो उसको घर में रखा है, उसको निकाल क्यों नहीं देते? करुणा कहाँ जा रही है? हाँ, मुझे पता है कि गौरी तेरी बहन है, पर तू भी तो उसको जानती है ना। अब तू इल्लू को समझाना कि उसे घर से निकाले। मीनाक्षी, इतना आसान नहीं है। एक बार शादी हो जाने तो उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। ये गौरी आखिर गई कहाँ है? अभी दिख जाएगा। कुछ बोल क्यों नहीं रही है? क्या हुआ, मुंह क्यों बना रही? वो गौरी है ना, उसके बारे में सोच रही हूँ। कितना बुरा किया उसने ना। चूचू का मुरब्बा, हाथ छोड़। भाई साहब, आप देख रहे हैं ना, शाम को जाती है और सुबह आती है, बिना बोले गायब हो जाती है। बेचारे राज की जिंदगी खराब करती है इस लड़की ने। आप उसे निकाल क्यों नहीं देते? आप कुछ करते क्यों नहीं है? मीनाक्षी, मैंने कहा ना, अभी कुछ नहीं। जब तक शादी नहीं हो जाती है सब लोग चुप रहेंगे। एक बार शादी हो जाएगी उसके बाद मैं सोचूंगा क्या करना है। मैं तो चुप नहीं रहूंगी भाई साहब, मेरी भी एक बेटी है, और मैं गौरी जैसी बदचलन औरत का साया अपने बेटी पे पड़ने नहीं दूंगी। करुणा, चल मेरे साथ। मुझे पता लगाना होगा ये गौरी कहां गई है और ये करना क्या चाहती है। जुगनी जी, सॉरी, कभी कभी अपनों को ज्यादा दर्द से बचाने के लिए उन्हें थोड़ा दर्द देना भी पड़ता है। मैं जानती हूँ गौरी, जो तू करने जा रही है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वो यात्रा है जिसके अंत में या तो इस यात्रा का अंत होगा या फिर तेरा। तुझे इस चक्र के बीचों बीच जाना होगा। इस चक्र के अंदर सिर्फ वही लोग जाते हैं जो या तो काली शक्तियां पाना चाहते हैं या काली शक्तियों से किसी को बचाना चाहते हैं।
तुझे इस चक्र के अंदर जाके उन इन तीनों द्वारों को खोलना होगा। इसे हर कोई नहीं खोल सकता। एक आज सिर्फ वही कर सकता है जिसमें या तो कोई खास बात है या कोई बड़ी बात। इसके पहले कई बुरे लोगों ने इसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश की थी पर वो नाकामयाब रहे। वो मर गए, कभी वापस नहीं आए। गौरी तू जानती है ना तू क्या करने जा रही है? जुगनी जी, मैं नहीं जानती हूँ कि मुझ में वो खास बात है या नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मेरे राज के लिए और मेरे परिवार के लिए कर रही हूँ और उन्हें बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। गौरी, हाँ गौरी मेरी बात सुन। वहां तो अपने आंखों पे नहीं कानों पे भरोसा करना। जो तू देखेगी वो सब भ्रम, सच वही है जिसे तू कानों से सुनेगी। तू सुन रही है ना? सच वही होगा जो सुनाई देगा। ऊपर समंदर, आसमान की जगह एक समंदर। ये कैसी दुनिया है? मैं कहां आ गई? ये सुनसान जंगल और मैं अकेली। समंदर, नीचे जमीन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये टूटा हुआ ब्रिज, ये कैसा ब्रिज है? समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या है? कौन है? डरो मत। कौन हो तुम? मैं भी कभी आया था इस दुनिया में तुम्हारी तरह, लेकिन वापस नहीं जा सका। पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसी मदद? क्या करोगे तुम? जिस चाबी को ढूंढने की तुम कोशिश कर रही हो उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें इस आग के दरिया को पार करना होगा डूबकर। ये कैसे हो सकता है? ये पानी नहीं है, ये आग है।